व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई है कि नेशनल हाईवे में जो उसे कॉम्पेंसेशन के तौर पे कुल 97 लाख रुपए मिले थे और उसके एक स्थानीय बैंक में उसने जमा किया था उसमें, और उस बैंक के खाते से ही उसके खाते से जो है वो उसमें से 32 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो इस संबंध में कल उसने शिकायत की है, जिसके शिकायत के आधार पर थाना स्थानीय पर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके बाद तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद प्रथम दृष्टया जो देखने में आया है वो ये है कि उसके अकाउंट से वाकई में 32 लाख रुपए जो है वो डिफरेंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हुए हैं, और ये जांच का विषय है कि ये जो 32 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं वो किन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं और किस प्रकार से किए गए हैं। इस पर हम लोग गहराई से तफ्तीश कर रहे हैं और जो भी प्रकरण, जो भी चीज़ें संज्ञान में आएंगी उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, किस बैंक का मामला है, किन किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? ये स्थानीय बैंक है, यूनियन बैंक, यूनियन बैंक से हुआ है और ये 419-20 का मामला है। इसको प्रथम दृष्टया जो है वो बैंक के मैनेजर के अगेंस्ट जो है ये तहरीर दी गई थी जिसपे मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन ये जांच का विषय है कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो इसमें संलिप्त हैं, और निश्चित रूप से दुस्साहसिक है और इसमें जो भी लोग प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें सर आरोप क्या बैंक मैनेजर पर लगाया गया है, जो पीड़िता है किस पर लगाया? जी हाँ, शिकायतकर्ता के द्वारा प्रथम दृष्टया जो है वो बैंक मैनेजर के विरुद्ध जो है शिकायत दर्ज कराई गई है और उनके विरुद्ध ही मुकदमा दर्ज किया गया है। एक सर और